हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी का। आज डे 6 है, ऑलरेडी हम 10th का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है प्लीज आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बेटा, देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 19 क्वेश्चन लिखा हुआ है, कि यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको एक स्ट्रीम दी हुई है और आपको राइट साइड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। कि एक पीसी मैथ्स में 19 स्टूडेंट अपियर होते हैं और एडमिशन लेते हैं, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। उसके बाद आपका पीसी बायो में 8 है, कॉमर्स में 11 है, ह्यूमैनिटीज में 12 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 50 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है असाइन स्टूडेंट की, कि वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक साइन स्टूडेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि साइन स्टूडेंट कहाँ पर आते हैं, जो पीसी लेंगे, जो पीसी मैथ्स होगा वो आपके साइन स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। पीसी मैथ्स आपको पता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पीसी क्या होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, तो ये आपके साइंस स्टूडेंट होंगे। प्लस आपको पीसी बायो, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता है, बायो होती है, वो भी आपके साइंस के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। या छोटा सा लॉजिक दिया गया है कि जिन बच्चों को नॉलेज है कि साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक मेडिकल स्टूडेंट और एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो दोनों है, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, साइंस स्टूडेंट कहलाएंगे। क्योंकि एक आपका मेडिकल है जिसमें आप बायो लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते हैं, और दूसरा आपका होता है नॉन मेडिकल, जिसमें आप मैथ्स नहीं लेते हैं, आप मैथ्स लेते हैं, बायो नहीं लेते हैं। तो इन दैट कंडीशन जब उसने बोला है साइंस स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी साइंस स्टूडेंट्स की, कि वो एक साइंस स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर हो जाता है 19 + 8 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 है बेटा, तो नीचे क्या हो गया, 50 आ गया। तो यहाँ पर 27/50 आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, क्लियर है। उसके बाद दूसरा बेटा बोलते हैं कि नॉट आ कॉमर्स स्टूडेंट्स, अगर कॉमर्स की बात की जाती है तो कॉमर्स में सिर्फ एक ही स्ट्रीम होती है, इसमें कोई बच्चों को अलग अलग डिवाइड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या है, उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, एनसी लिख रही हूँ मैं नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर जो 50 में से अगर मैं 11 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने कॉमर्स नहीं लिया है। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 11 को छोड़ के 19, 8 और 12 को प्लस करते हैं तो भी 39 आता है, और अगर आप 50 माइनस 11 करते हैं तो भी आपका 50 आता है, तो ये दोनों आपके आंसर निकल गए। तो यहाँ पर आप ये मेथड कर सकते हो बेटा, कि आप कॉमर्स को छोड़ के बाकी तीनों को प्लस करके और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, या आप उसको माइनस डायरेक्टली करके अपना नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड सही है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, जो आज हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हमने 1 और 2 मार्क्स के किए हैं, ये ज्यादातर आपके मोर देन 2 मार्क्स में आने वाले हैं, तो बी कॉन्सेंट्रेट, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। लास्ट ईयर मेरे पास एक दो कमेंट आए थे कि मैम आप बहुत जल्दी पढ़ाते हो या थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो आई एम रियली सॉरी कि अगर हो सकता है किसी वीडियो में ज्यादा हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल कि मैं आपको थोड़ा स्लोली पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 की बात करते हैं। इसके बाद आपका 20 नंबर है, ओके। 20 क्वेश्चन में बेटा पूछा जाता है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 4 ऑन वन डाई एट लीस्ट, ठीक है। मैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम,
मतलब एक फोर तो उसको चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट वन फोर, ठीक है। अभी हम लोगों ने जब टू डाइस की बात किया था, टू डाइस की पॉसिबिलिटी आपको पता है कि टू डाइस की पॉसिबिलिटी पे करते हैं तो वो हमारे आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब उसने क्या बोला है कि एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, एक फोर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपकी एटलीस्ट वन फोर की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, एक फोर होना चाहिए और उससे ज्यादा फोर भी हो सकते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, वन और फोर हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका टू और फोर हो जाता है, उसके बाद थ्री और फोर हो जाता है, और फोर का तो आपकी पूरी लाइन ही हो जाती है, फोर वन हो सकता है, फोर टू हो सकता है, फोर थ्री भी होगा, फोर फोर भी होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, कम से कम एक फोर होना चाहिए और एक फोर से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बोलता एग्जैक्ट फोर तो यहाँ पर आप फोर फोर नहीं लेते, तो लीस्ट बोला है, तो लीस्ट का मतलब है कम से कम एक फोर और एक फोर से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपका आता है फोर और फाइव, फिर फोर एंड सिक्स, देन उसके बाद आपका आता है फोर आपका फाइव और फाइव और फोर, और देन उसके बाद आता है आपका सिक्स एंड फोर। ये आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है एटलीस्ट वन फोर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हमारे फेवरेबल केसेस आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। तो यहाँ पर आपका जो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 11/36। यहाँ पर आपकी कितनी आती है 11/36 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 11 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपका एटलीस्ट फोर आता है। यहाँ पर बच्चे कई बार इसको छोड़ देते हैं, ये आप गलती नहीं करेंगे, ये आप तभी छोड़ेंगे जब वो बोलेगा एग्जैक्ट फोर, ठीक है, तभी आप इसको छोड़ेंगे, अदरवाइज एटलीस्ट में ये ऐड किया जाएगा, ओके। इसके बाद बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द मैसेज। यहाँ पर एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक क्वेश्चन की, कि यहाँ पर आपको एक वर्ड लिख के दे दिया जाता है, यहाँ पे आपका लिखा है हे डूड, व्हाट्सअप, ठीक है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पर उसने बोले हैं कि आपको कि ओके, यहाँ पर आपने बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कांस्टेंट। आपको क्या लेना है, इसमें से कांस्टेंट लेना है। पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हो कि टोटल आउटकम्स क्या है, यहाँ पर कितने जो ऐसे नंबर्स है जिनका यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 ऐसे आउटकम्स है जो आने वाले हैं। यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एस अगर एक बार है, एस अगर दो बार है तो आप उसे एक बार लेंगे, नहीं, ये आपके टोटल है कि आप अगर की टाइप करते हैं, जितनी बार आपने टाइप किया है या जितनी बार लिखा है वो उसके टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स आपके कितने आए हैं, 13 आए हैं, ठीक है। उसमें से आपको कौन से चाहिए बेटा, कांस्टेंट चाहिए, सिर्फ हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि ए ई आई ओ यू तो आपके वोवल्स होते हैं, उनको छोड़ के बाकी आपके सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पर आपके एक वाई हो जाता है, एक एच हो जाता है, डी आपका है, यहाँ पे डी है, डब्ल्यू है, एस है, एस है, पी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 जो है आपके कॉन्सोनेंट्स है, तो 8 by 8 हो गया, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 8/13 आपका आंसर हो जाता है। और अगर वॉवल्स की बात की जाती है, इसको थोड़ा सा वॉवल्स में चेंज करते हैं तो बेटा वो हो जाता है आपका 5/13। क्लियर है आपको, होपफुली आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। चलिए आज ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब मी, थैंक यू, बाय बाय।